देखो इसमें देख लो, तीन चीज हम लोग को जानना है ना, एक टाइप ऑफ चेंज, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं यहाँ पर दिख रहा है, या तो फिजिकल होगा या होगा ना, तो टाइप पता चल ही रहा है दोनों होने वाला है, एक फिजिकल चेंजेस है और दूसरा केमिकल चेंजेस है। तो इसको पढ़ लेने के बाद कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा पता चल जाएगा। हाँ पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलने वाला है। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस बोल रहे हैं ना कि ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब जानते हो, रिवर्सिबल मतलब हाँ जैसे मान लो कि पानी से कोई बर्फ बन रहा है ना, तो बर्फ से वापस पानी, ये रिवर्सिबल होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव स्टेटमेंट, बोल रहा है कि इसके अपोजिट वाला स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है मेकिंग ए पेपर बोट, दूसरा है डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास तोड़ के फिर से ग्लास बनेगा नहीं बनेगा ना, तो रोलिंग ऑफ चपाटी, और रोल करके उसको फिर से गोल कर देंगे ना, रोल करके फिर ये गोल हो जाएगा। चलो ये ठीक है, ए रिवर्सिबल है। मेकिंग ऑफ पेपर बोट, बोट बना के वापस फिर से उसको पेपर बना सकते हैं, ए रिवर्सिबल है। डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर, ये चीनी से मतलब पहले पहले क्या बोल रहे हैं कि पानी में चीनी को घोल दो, मतलब शरबत बना लो, वापस से फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं दोनों को, नहीं होगा गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, शरबत को अगर गर्म कर दे हम लोग बतासा बन जाएगा, नींबू बच जाएगा सारा ना, उसमें चीनी होगा तो चीनी भी बच जाएगा, अरे चीनी घुल जाएगा, बतासा बन जाएगा। हाँ सर, चीनी बतासा, बतासा देखे हो तुम लोग? हाँ यस सर, चाशनी कुछ, चाशनी कुछ होता है ना वो, मतलब अगर फिर घोल करके फिर से उसको गर्म कर दोगे ना तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, उसको अगर कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कर सकते हो, जमा कर सकते हो, और चीनी जो है वापस वो बर्तन में रह जाएगा, मतलब ये भी रिवर्सिबल है, सिर्फ ए रिवर्सिबल नहीं है। समझ में आया रिवर्सिबल का मतलब? रिवर्सिबल मतलब एक बार बना दो फिर बिगाड़ दो, फिर से वापस मिल जाएगा, जिस चीज से जो जिस चीज से बनाया हो ना वो वापस से फिर से मिल जाना चाहिए बस। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट, बोल रहे सोना से ऑर्नामेंट बनता है, तो इसमें से चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत क्या है। गोल्ड अंडरगोज ए फिजिकल चेंज एज द शेप ऑफ गोल्ड चेंज, बोल रहा है कि गोल्ड जो है ना, पहले गोल्ड का एक बिस्किट रहता है ठीक है ना, उसको फिर हम लोग गला करके उससे क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट, आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं। तो बोल रहे कि क्या इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, बिस्कुट से गहना बन गया तो फिजिकल चेंज का मतलब वही होता है, मतलब सिर्फ उसका शेप चेंज हो जाता है। फिजिकल का मतलब ये नहीं कि रिवर्सिबल, फिजिकल का मतलब चीज वही रहेगा बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, जैसे पेपर से नाव बना दिया तो है तो पेपर ही, बस नाव बन गया नाव से। अब ये भी है ऑर्नामेंट, अगर मान लो कि बिस्किट से तुम गहना बना रहे हो तो फिजिकल चेंज हो रहा है, देखने में वो बदल गया, फिजिकल मतलब वही देखने में बदलते हुए दिखना चाहिए। दूसरा है गोल्ड अंडरगोज ए फिजिकल चेंज एज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है लेकिन न्यू सब्सटेंस, गोल्ड का तो गोल्ड ही है वो ठीक है ना, हालांकि फिजिकल चेंज हो रहा है ठीक है ना, अगर इस तरह से देखें कि बिस्कुट से मतलब वो गहना बन गया, आभूषण बन गया, तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। गोल्ड अंडरगोज ए फिजिकल चेंज एज द कंपोजिशन ऑफ गोल्ड चेंज, देखो अब कंपोजिशन ऑफ गोल्ड चेंज होगा ना तो फिर वो फिजिकल नहीं रह जाएगा, वो फिर केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल में वही कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है और उसका सब कुछ बदल जाता है केमिकल में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो तो पानी बन जाता है, एकदम चेंज हो गया ना पूरा। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, बी और सी दो। थर्ड वाला दिया है ए गैप इज लेफ्ट बिटवीन रेल ट्रैक, रेल ट्रैक के बीच में गैप छोड़ा हुआ रहता है, पता है तुम लोग को, ये ट्रेन का पटरी है ना, बीच बीच में कहीं कहीं पर इतना जगह छोड़ा हुआ रहता है, किस लिए? एक लिमिट में चोरी करे ना, ज्यादा चोरी ना करे। देखो ये इसलिए छोरा हुआ रहता है ना, जैसे गर्मी के दिन में हम लोग क्या जानते हैं, हर चीज फैलता है, तो अगर मान लो कि गैप नहीं छोड़ोगे ना, हाँ गर्मी के दिन में अगर गैप रहेगा ना तो जुट जाएगा, लेकिन अगर एक गैप नहीं दोगे ना तो क्या होगा, ये फैलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर। सर धूप में पूरा ये कैसे से ट्रेन का पटरी उलटता है, हाँ तो एक गैप नहीं छोड़ोगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ट्रेन उलट जाएगा, इसलिए गैप छोड़ जाता है, ज्यादा ही फैल गया, गैप से ज्यादा फैल गया तो चक्का फंस जाएगा उसी में।
एगैट मतलब सारा कैलकुलेशन करके मतलब देख लिया जाता है कि मैक्सिमम कितना फैल सकता है, वो सब देखते हुए कैलकुलेशन करके किया जाता है। अब देखो तो इसमें आंसर कौन सा होगा फिर थर्ड का, अलाउ एक्सपेंशन अवॉइड रस्टिंग मतलब एक्सपेंशन होने के लिए छोड़ा हुआ रहता है, दूसरा है जंग लगने से बचाने के लिए छोड़ा हुआ रहता है, ये गलत हो गया ना। अलाउ एक्सपेंशन सही है, अलाउ मेल्टिंग पिघलने के लिए, पिघलने के लिए नहीं छोड़ दे, टूटने के लिए छोड़े, गैप छोड़ेंगे तो उसे नहीं टूटेगा, ऐसा क्या है पटरी पहले टूटे या क्यों, इसके लिए एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए छोड़ा हुआ रहता है। उसके बाद सिलेक्ट द ऑड वन, इसमें से डिफरेंट कौन सा है वो चूज करना है तुम लोग को। अक्रेंस ऑफ न्यू मून, अक्रेंस ऑफ रेनबो, इसमें से डिफरेंट कौन सा है वो, ओपनिंग ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी फ्लोर लो एंड हाई टाइड्स, अक्रेंस ऑफ रेनबो इसे बोल रहे हैं ना कि एकमात्र ए वाला जो है ना और नॉन पीरियोडिक है, रेनबो कभी भी बन सकता है, हो सकता है एक साल में चार बार भी बने, दस बार भी बने, लेकिन ये सब एकदम फिक्स्ड है कि 27 दिन या 30 दिन जितना भी दिन होता है उतना में इसका जो शेप है ना फिर से वो आ जाएगा, न्यू मून हर 30 दिन में आ जाएगा। सर हम एक बार फिर दोनों रेनबो देखें, हाई और लो टाइड, हाई और लो टाइड जो है ना बारी बारी से ऊपर नीचे होते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, ये सब पीरियोडिक है। उसके बाद एक्टिविटी पी क्यू एंड आर आर सिमिलर इन दैट दे आर, किस चीज में सिमिलर है, बोल रहे कि किस बेसिस पर ये सब सिमिलर है, पी क्यू और आर, ऑल आर केमिकल चेंज, एक में पानी है दूसरा में वाटर है, तीनों में गर्म ही किया जा रहा है ना, तीसरा में हीट देके अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जा रहा है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वेपर, मतलब वेपर सब में बन रहा है ना, वेपर तीनों में ही बनेगा। सारा का सारा फास्ट प्रोसेस तो नहीं है क्योंकि क्यू वाला तो बहुत स्लो प्रोसेस हो गया ना, इसलिए वाला गलत हो जा रहा है। डे चेंजेस इनटू नाइट, दिन क्या होता है रात में बदल जाता है, इट्स सडनली रेन्स ऑन ए हॉट समर डे, अचानक से क्या होने लगता है बारिश होना शुरू हो जाता है, योर मदर बेक ए यम्मी केक जस्ट विथ फ्लोर, आटा से तुरंत मतलब केक बन जाता है, बटर से शुगर बन जाता है, बटर एंड शुगर, आइसक्रीम मेल्ट, आइसक्रीम क्या होता है पिघल जाता है, वाटर फ्रीजेस इंटू आइस है ना ठंडा होने पर, पेंसिल बिकम शॉर्टेंड ईच टाइम यू शार्प नीट, जब हम लोग शार्प करते हैं तो छोटा हो जाता है, फ्लावर चेंजिंग इंटू फ्रूट, ये सब मतलब हर चीज में चेंजिंग मतलब बता रहा है कि हर चीज में चेंजिंग होते हुए दिखाई देता है। इफ यू गो ऑन लिस्टिंग आउट द चेंज अराउंड यू इट इज नेवर इन, अगर लिस्ट बनाने जाओगे ना तो कभी उसका खत्म ही नहीं है, हर चीज मतलब चेंज हो ही रहा है, हाँ हर चीज में चेंज हो रहा है, किस चीज में, हाँ ये भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा किसी में फास्ट होता है किसी में स्लो होता है। यू मे ऑब्जर्व दैट सम चेंजेस आर स्लो और सम आर फास्ट, कुछ स्लो होता है कुछ फास्ट होता है, देखो ना फाड़ करके फाड़ करके देखो पता चलेगा। व्हाई डू चेंज अकर, बोल रहा है कि चेंजेज होते क्यों है, वेल एवरी चेंजेस हैज ए कॉज बिहाइंड इट, सब चेंज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, जितना भी चेंजिंग हो रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल दिन से रात क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पर, जो हिस्सा मतलब सूरज के सामने जा रहा है उसमें दिन हो जाता है। सीजन क्यों चेंज होता है बता सकते हो, मौसम गर्मी ठंडा इधर से उधर होता है, देखो यहाँ पर सन है यहाँ पर अर्थ है ठीक है ना, ये अर्थ घूम रहा है ना तो उसके वजह से दिन रात हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पर अर्थ के सामने ये वाला हिस्सा है, थोड़ा देर में रोटेट होकर के ये वाला हिस्सा यहाँ चला आएगा तो फिर यहाँ दिन हो जाएगा है ना, फिर ये हिस्सा यहाँ जाएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, सूर्य जो अपने जगह पर है ये सब घूम रहा है अर्थ घूम रहा है तो इसके वजह से दिन और रात होता है। अब रहा कि ठंडा गर्मी ये सब क्यों आता है तो उसके पीछे रीजन है, देखो सूर्य तो अपने जगह पर है, यहाँ पर मान लो सूर्य है, अर्थ जो है ना वो इस एक्सिस पर ऐसे घूम रहा है ठीक है, तो यहाँ पर है तो नजदीक है गर्मी है ना, यहाँ आ जाएगा तो दूर हो गया क्या हो गया ठंडा, इस तरह से चेंज होता है मौसम, बरसात स्पेस कैसे बना,
स्पेस कैसे बना, साइंटिस्ट लोग पता करने की कोशिश कर रहा है स्पेस कैसे बना। सर गॉड बना है। ये चेंज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप। चेंज बहुत तरह का हो सकता है, शेप में, साइज में, पोजीशन में, कलर में, स्टेट में, या फिर स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर साइज का है, साइज बढ़ रहा है। यहाँ पर रोटी में शेप चेंज हो गया, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, जलने के बाद काला हो गया। और क्या दिखा रहे हैं, स्टेट, बर्फ से पानी बन गया। एक पोजीशन, एक जगह से दूसरा जगह ये आदमी है या फुटबॉल बॉल जा रहा है। ये हो गया बॉइलिंग ऑफ एग, इंटरनल चेंज हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गया। कितने टाइप के चेंज होंगे, तो एक नेचुरल होता है, दूसरा मैडमेन चेंज होता है। नेचुरल चेंज में क्या क्या आ गया, चेंज इन सीजन। ये सीजन में जो चेंजिंग आ रहा है वो हम लोग नहीं कर सकते, है ना, नेचुरल चेंजिंग है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये हम लोग नहीं कर सकते, खुद से फ्रूट पक जाता है। अक्रेंस ऑफ रेनबो, ये सब देख रहे हो ना, ये सब क्या है, नेचुरल चेंज है। अक्रेंस ऑफ इलिप्स, सनसेट एंड सनराइज, कुकिंग फूड हो गया, ये सब ह्यूमन मेड वाला है। मेकिंग कर्ड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारा। उसके बाद रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल मतलब फिर से अपना शेप प्राप्त कर लेना। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, लाइक आइस मेल्ट इनटू वाटर, फिर वाटर से जम करके फिर बर्फ, आइस। कुछ ई रिवर्सिबल होता है, वो फिर से वापस नहीं ला सकते। जैसे कि कोई चीज एक बार खाना बन गया तो उसको फिर से हम वापस मतलब नहीं बना सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन नॉट चेंज ए प्लांट और ट्री टू इट्स सीड। हाँ, आयरन अगर लग गया, जंग लग गया, तो उसको जंग को हटा नहीं सकते, नहीं हटेगा, जंग को फिर से आयरन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नहीं, अगर जंग लगा ना तो आयरन में कुछ हिस्सा जो है ना वो बर्बाद हो जाता है, उसको फिर से हम आयरन नहीं बना सकते हैं, जंग को हटा सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक बार सीड से अगर प्लांट बन गया तो प्लांट को फिर से सीड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये सब ई रिवर्सिबल है। ये देखो, इससे जहाज बनाया है, जहाज से फिर ये रिवर्सिबल हो गया ना। रबर बॉल, मेल्टिंग आइस, हीटिंग आयरन, है ना, गर्म करोगे तो फिर वो ठंडा हो ही जाएगा। फोल्डिंग अनफोल्डिंग पेपर, ये सारा क्या हो गया, रिवर्सिबल। ई रिवर्सिबल में हो गया क्या क्या है, सेटिंग है सीमेंट, सीमेंट का जम जाना, एक बार जम गया तो फिर वो फिर से पाउडर में नहीं कन्वर्ट होगा। बेबी ग्रोइंग इनटू एडल्ट, बच्चा एक बार बड़ा बन गया तो फिर से बच्चा नहीं होगा। चेंजेज लाइक टेयरिंग ऑफ पेपर, कागज एक बार फाड़ दोगे तो वो फिर से नहीं जुटेगा, बनवासी मत करो। बस्टिंग ऑफ ए बैलून, बैलून अगर एक बार फट गया तो फिर से बैलून नहीं साट लोगे। साइंटिस्ट लोग उतना सोचा ही नहीं, उतना ही लोगों दिमाग नहीं था। स्लो और फास्ट, इसमें स्लो क्या क्या है, ड्राइंग पेंटेड फर्नीचर ऑन ए रेनी डे। रेनी डे में मतलब ये क्या होता है, स्लो सूखता है पेंट। ग्रोइंग ओल्डर इन एज, बड़ा होना एक स्लो प्रोसेस है। लर्निंग टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब स्लो प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस क्या क्या है, डिजॉल्विंग सुगर इन हॉट टी, गर्म चाय में तुरंत घुल जाएगा। बर्स्टिंग बैलून, तुरंत बैलून फट जाएगा। मेल्टिंग बटर फॉर पॉपकॉर्न। स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का ऑन होना, ये सब फास्ट प्रोसेस है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज मतलब एक निश्चित टाइम के बाद होगा, और नॉन पीरियोडिक एक निश्चित टाइम के बाद नहीं होगा। तीनों जलेगा, तीनों 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 जलेगा, लेकिन हाँ साथ में, लेकिन उसमें से एक खोल लोगे ना तो तीनों ऑफ हो जाएगा। हम लोग का घर में जो बल्ब रहता है ना वो पैरेलल में लगा रहता है, इस तरह से लगा रहता है, देखो इसीलिए सीरीज में देखो दो वायर ऐसे है, बल्ब हम लोग का इस तरह से लगा रहता है। अब ये वाला फ्यूज भी हो जाएगा ना, ये बल्ब निकाल भी लोगे ना तो करंट इधर वाला में जाता रहेगा, है ना। सीरीज में अगर लगा दोगे ना, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। हम लोग घर में जो भी कनेक्शन रहता है ना वो सारा पैरेलल कनेक्शन रहता है, तो इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि एक फ्यूज उधर खराब ना हो।
ये जो दिवाली वाला बल्ब आता है ना, वो सारा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, उसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना तो पूरा कोई नहीं जलेगा उसमें। एक को खोल करके निकाल लोगे ना तो एक भी नहीं जलेगा। हाँ वैसा ही होता है, उसमें सीरीज कनेक्शन होता है। देखो हम बता रहे हैं, देखो हम बता रहे हैं, इस टाइप का एक वायर हो गया, उसमें बहुत सारा वायर लपेटा हुआ रहता है, ऐसे हो गया। अब मान लो कोई एक वाला, ये वाला फ्यूज हो गया ना बल्ब, तो ये वाला पूरा नहीं जलेगा, लेकिन ये वाला तो जलेगा ही। तो जब एक फ्यूज होगा ना, तो कम से कम देखोगे कम से कम 15 से 20 बल्ब नहीं ऑन होगा। तो फिर अलग केस होगा, लेकिन कभी चेक करके देख लेना। ये वायर बचाने के लिए ये लोग जो कनेक्शन करता है ना, वो सीरीज में करता है, इसीलिए सस्ता है मिलता है। वही एक तो मतलब इसीलिए दोबारा यूज नहीं होता है, क्योंकि तुम जला रहे हो कहीं अचानक गलती से एक बल्ब टूट गया तो फिर कोई नहीं जलेगा। नहीं टूटेगा तो यूज हो जाएगा। देखो इसमें पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक में क्या क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट, फेज ऑफ मून है ना, पीरियोडिक ग्रोथ ऑफ प्लांट, सनराइज सनसेट, सीजनल चेंज। हम लोग का जो ऑप्शन वहां पर दे रखा था ना, ये दे रखा था शायद, और एक ए वाला दे रखा था, फेज ऑफ मून वाला, अक्रेंस ऑफ रेन, वो ये देखो नॉन पीरियोडिक में है, ये दिया हुआ था ऑप्शन में ना, इसलिए आंसर हुआ था। फॉलिंग ऑफ ट्री, बर्निंग ऑफ पेपर, अर्थक्वेक, ये सब। उसके बाद कुछ डिजायरेबल चेंज होता है, कुछ अनडिजायरेबल होता है। जैसे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, कुकिंग गैस को ऑन ऑफ कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये हम लोग का डिजायरेबल हो गया, हम लोग अपनी इच्छा से उसको जला रहे हैं। सेटिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग अपना इच्छा से कर रहे हैं, तो वो सब होगा। लेकिन अर्थक्वेक, बेलकोनी की इरप्शन, ये सब क्या हो गया, जमीन का हिलना या फिर बेलकोनी की इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वो सब हम लोग की इच्छा से नहीं होता है, बाढ़ आ गया, इसको क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल चेंज। तो बहुत तरीके से बांटा है, मतलब डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, पीरियोडिक, अनपीरियोडिक, रिवर्सिबल, अनरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इस तरह से बहुत सारा तरीका हो गया बांटने का। अब उसके बाद आते हैं फिजिकल चेंज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन क्लासिफाइंग चेंज, whether new substances are formed during the change or not. When we iron a cloth, no new substance is formed, and the ironed cloth can become crumpled again, and hence process is reversible. या वो बोल रहा है कि एक कपड़ा को आयरन करो, आयरन करने से उसका क्रम्बल मतलब वो ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो आ जाता है, तो ये सारा क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। सच चेंजेज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। रिवर्सिबल वाला जितना है वो सारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। टियर द पेपर, एक क्या हो गया, फिजिकल चेंज है, क्योंकि रिवर्सिबल है, फार करके फिर उसको हम लोग साट सकते हैं ना। शार्पन ए पेंसिल, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, मतलब दो चीज देखना है, ठीक है ना, एक तो मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, और दूसरा मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए, फिर से वो वापस मिल जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। इन सारी चीजों में कोई नया चीज नहीं बन रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन एग्जैक्टली द सेम बिफोर एंड आफ्टर चेंज। देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे वो फिजिकल चेंज है कि नहीं है, पहला नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बनेगा, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिए तो पानी बन गया, तो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल, केमिकल, क्योंकि नया चीज बन गया, पहले गैस था पानी बन गया। द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेंस द सेम बट द शेप साइज स्टेट, बोल रहा है कि शेप और साइज फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो बदल जाता है। जैसे पेपर से नाव बना दिए, द शेप साइज उसका बदल गया। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, मैक्सिमम फिजिकल चेंज होता है ना वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। देर आर ए फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि शार्पन ए पेंसिल, ये रिवर्सिबल नहीं है ना, पेंसिल को अगर हम लोग शार्प कर देंगे तो फिर से वापस पा नहीं सकते हैं, पिछला साइज वापस से नहीं मिलेगा। उसके बाद है वाटर व्हेन प्लेस्ड इन द फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर सॉलिडिफाई इनटू आइस, अगर हम लोग पानी को रख देते हैं फ्रिज में तो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होकर के जम जाता है ना, बर्फ में बन जाता है। व्हेन द आइस इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, लेकिन उस आइस को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो फिर से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, तो यहाँ पर फिजिकल चेंज भी हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज भी हो रहा है ना। लाइक आइस देयर आर सम अदर सॉलिड दैट मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड एंड सॉलिडिफाइड व्हेन दे आर कूल्ड, बोला कि बहुत सारा जैसे कि आइस हो गया,
मतलब गर्म करोगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और पिघल जाएगा, और जब ठंडा करेंगे तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने रियल फॉर्म में। देयर आर सम अदर सॉलिड, मतलब बोल रहा है कि आइस की तरह, बर्फ की तरह ही कुछ अदर चीज भी है जिसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो वापस अपना शेप गेन कर लेगा। वैक्स हो गया, घी हो गया ना, गर्म करेंगे तो लिक्विड और फिर से वापस घी हो गया। बाहर निकलता है उसके बाद है पानी गर्मी के टाइम में ब्रीज ब्लोइंग उसके बाद सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा ना, तो वाइब्रेशन क्या होगा, तेज होगा, एक तेज हवा चलने से ज्यादा होता है, ज्यादा गर्मी रहने से जल्दी जल्दी बनता है। और क्या है, अगर एरिया ज्यादा दोगे ना तो उसमें भी होता है। लेकिन बॉइलिंग पानी हो गया बबल और गर्म कर देंगे, कपूर को
कपूर को गर्म करो, कपूर डायरेक्ट, कपूर डायरेक्ट क्या चीज पेपर में कन्वर्ट होकर जलने लगेगा, पेपर कैन डायरेक्टली चेंज बैक इनटू द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट कॉल्ड डीपोजिशन और डीसब्लिमेशन। मतलब कि अगर ठंडा करने पर उस पेपर से डायरेक्ट फिर डायरेक्ट बन जा रहा है, बीच वाला गायब हो जाता है। जैसे जैसे अगर पेपर पानी को गर्म, बर्फ को गर्म पानी में फिर पेपर में, तो इसको सब नहीं बोलेंगे, नहीं बर्फ से अगर डायरेक्ट पेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तब सब्लिमेशन कहलाएगा। समझ में आया सब्लिमेशन। जैसे पानी का, पानी का पहले क्या रहता है, आइस। गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर। और गर्म करोगे तो गैस, वेपर बन गया। लेकिन कुछ कुछ होता है ना, जैसे कपूर हो गया, कपूर हो गया, कपूर जो है ना डायरेक्ट गैस जलने लगता है, बीच वाला फेज गायब हो जाता है। उस केस में उसको सब्लिमेशन नाम देंगे। नहीं होली डायरेक्ट गैस बन जाएगा वैसा ही रहता है काट करके छोटा छोटा। चलो अब केमिकल केमिकल डायरेक्ट कल सिर्फ इसी चैप्टर का टेस्ट लेंगे।